कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बुगनविलिया की कटिंग को कैसे ग्रो करना है। बुगनविलिया आप सभी समझते ही होंगे, क्योंकि जो वीडियो को सर्च कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि बुगनविलिया क्या होती है। वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बुगनविलिया की जो ये कटिंग्स हैं, ये मैंने पहले ही काट के रखी हुई हैं, ताकि आप इस साइज़ की बुगनविलिया लें। ये जो कटिंग है ये देख लीजिए अच्छी तरह, इस टाइप की कटिंग लीजिए, और जब आप काटेंगे तो इसमें तिरछा 45 डिग्री एंगल के से आप कट लगा सकते हैं। जैसा आप दिख रहा है तिरछा कट, जी हाँ, आप इसी तरह से कट लगाना है। वरना इसकी पहचान करने की एक और वो होती है कि कैसे पहचान किया जाए। इसका जो कांटा होता है, जैसे हम कटिंग्स को लंबी कटिंग लेके आते हैं और उसमें से छोटी छोटी कटिंग कर लेते हैं, तो हम ये कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कौन सी अपर साइड है और कौन सी डाउन, यानी कि कौन सी साइड मिट्टी में जाएगी और कौन सी ऊपर रहेगी। इस पे तो आपको साफ नजर आ रहा है कि इस पे स्प्राउट ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ये ऊपर जाएगा। अब मैं आपको दूसरी कटिंग में दिखाता हूँ कि ये कैसे, इसमें कैसे पता चलेगा। अब जैसे ये कटिंग है, ये बहुत पतली है, हम पतली और मोटी दोनों तरह की कटिंग लगाएंगे। हम बाद में देखेंगे कि किसके सक्सेस रेट ज़्यादा हैं, पतली वाली के या मोटी वाली के, ठीक है। मैं भी एक्सपेरिमेंट ही करता हूँ और एक्सपेरिमेंट ही आपके साथ शो करने जा रहा हूँ। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी सीखेंगे और सिखाएंगे दूसरों को। तो दोस्तों, ये इस पर मैंने नीचे की तरफ 45 डिग्री एंगल कट लगाया हुआ है और ऊपर से फ्लैट कट है, बट ये मैंने इसलिए है कि जल्दी लग जाएगी, देखना नहीं पड़ेगा। वरना दोस्तों, जो ये देखिए कांटा दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है, जो पत्ता होता है, लीव्स होता है, इस लीव्स के और कांटे के बीच में से स्प्राउट आएगा। ये यहाँ से अगर मैं ऐसे तोड़ूंगा तो ये डैमेज हो सकता है इसका बर्ड, इसलिए मैं इसको तोड़ा नहीं है, यहाँ से जस्ट कट कर दिया है। ये येल्लो होकर कुछ दिन में अपने आप ही गिर जाएगा और जो स्प्राउट है वो यहाँ से निकलेगा, इसके बीच में से। तो पहचान करने का तरीका यही है कि कांटा ऊपर होता है और पत्ता नीचे होता है। याद रखने की बात है दोस्तों, जो बुगनविलिया की कटिंग ग्रो करना चाहते हैं वो ये बात याद रखे कि कांटा ऊपर की तरफ होता है और पत्ता नीचे की तरफ होता है। यानी कि जो ऊपर की तरफ अगर कांटा है तो ये साइड अप है और पत्ता नीचे की तरफ है तो ये साइड डाउन है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। तो मैंने ये बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप की मोटी और पतली और थोड़ी सी जो ये है, ये वाली कटिंग थोड़ी मैच्योर है, ठीक है, और जो ये वाली मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली बिल्कुल यंग कटिंग है, और जो ये वाली है ये मोटी है, बट ये मैच्योर और यंग के बीच की है। इसको हम ना मैच्योर बोल सकते हैं और ना ही हम इसको यंग बोल सकते हैं। तो हम तीनों तरह कटिंग लगाएंगे, यंग कटिंग भी जो कि ये है, ठीक है, मैंने इसको पानी में रखा हुआ था, लेके मैं 4-5 घंटे पहले ही लेके आया था, तो मैंने काट के पानी में रख दी थी ताकि ये सूखे ना, इनका मॉइस्चर उड़े ना। तो दोस्तों, इसमें मैंने ये आप देख रहे हैं, इसमें ये डिटर्जेंट पाउडर का बैग था, पड़ा हुआ था, वेस्ट था, तो मैंने इसको ऊपर से कट किया और नीचे इसके जो ड्रेनेज होल हैं वो बनाए हुए हैं मैंने। ये ड्रेनेज होल है, इसके नीचे चाकू के साथ छेद कर दिए हैं मैंने, तो जो एक्सेस वाटर होगा वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने ये मिट्टी भरी हुई है। इस मिट्टी का जो बनाई कैसे गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप मिट्टी और रेत और कंपोस्ट तीनों चीज मिक्स कर सकते हैं। आप 10% कंपोस्ट डालिए, 50% मिट्टी लीजिए और 40% आप उसमें सैंड यूज कीजिए। रेत से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो अच्छी ड्रेनेज वाली बन जाती है। अगर हम मिट्टी ऐसे ही यूज करेंगे तो उसमें मिट्टी पत्थर हो जाएगी जब वो सूखेगी, तो इससे मिट्टी नरम ही रहती है, सॉफ्ट रहती है, और इस पे वाटर भी ज़्यादा खड़ा नहीं होता, जल्दी ही ड्रेन हो जाता है, जो कि पौधों की रूट्स के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं,
ये जो आप देख रहे हैं ये रूटिंग हार्मोन है, ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन। इसकी ये कैसे बनाया जाता है इसका लिंक आपको साइड में दिख रहा होगा राइट साइड में, तो आप उसके क्लिक करके आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं मेरी कि हाउ टू कि इसको जो ये ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन है ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप एक एक कटिंग लीजिए और एक बात जरूर ध्यान रखिए हमेशा कि कभी भी एक या दो कटिंग कभी ग्रो मत कीजिए। आप ग्रो कीजिए कम से कम 10, 12, 15, कम से कम 10 कटिंग का तो आप ये रख सकते हैं कि हमें 10 कटिंग लगानी है, क्योंकि हम अगर एक या दो कटिंग लगाते हैं तो उनके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम 10-12 कटिंग यूज करते हैं तो उसमें हमारी अगर 4-5 भी सक्सेस हो गई, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमें पता नहीं है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उसके लिए हम 10-12 कटिंग ग्रो करेंगे, उसमें हमें कम से कम 2 या 4 तो मिल ही जाएंगी। तो 2-4 मिल जाएंगी तो बस बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हमें बेचने के लिए कोई नर्सरी थोड़ी बनानी है, हमें अपने लिए ग्रो करना है। बोगनविलिया आपको जहां भी मिले वहां से आप इसकी कटिंग्स ले आइए, आपके पड़ोस में लगी हुई हो, आपके ऑफिस के पास हो, आपको जहां कहीं भी ये आराम से दिख जाती है, ये सड़कों किनारों पे भी खड़ी रहती है, आप ये कोई मैटर नहीं है, ये बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली है और बहुत ही बढ़िया है। ये एक वाइन टाइप होती है, इसके आप ऊपर छत बना सकते हैं अपने टेरिस के ऊपर, और ये गमले में भी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। जिन भाइयों के पास जो शहरों में रहते हैं जिनके पास जगह की दिक्कत है कि और गार्डनिंग करना चाहते हैं, फ्लावर भी इस पर बहुत अच्छे आते हैं गर्मियों में। और ये जो मेरे पास है इसकी वैरायटी बहुत सारी है, व्हाइट कलर है, रेड है, पिंक है, ठीक है, और एक डार्क पिंक होता है वो भी होता है इसमें। तो ये जो मैं लेके आया हूँ इस पे फ्लावर आते हैं जो गुच्छों में आते हैं, कई तरह की, एक तरह की होती है कि वो स्ट्रेट बढ़ती है और उसकी डंडियों पे फ्लावर आते रहते हैं और वो बढ़ती रहती है, लेकिन ये वो वाली नहीं है, ये बढ़ेगी और एक डंडी पर एक पूरा एक इतना बड़ा गुलदस्ता टाइप का गुच्छा आ जाएगा फूलों का, जो मुझे बहुत प्यारा लगा। ये मेरे पड़ोस में लगा हुआ था तो मैं वहां से कटिंग ले आया, फिर मैंने सोचा कि चलो आपको भी बताता हूँ कि ये कैसे ग्रो करनी है। तो इसका जो ये कटिंग वाला पार्ट है जो मिट्टी में जाएगा उसमें हम इसको ऐसे लगा लेंगे, इससे क्या होगा कि जो फंगस है फंगस अटैक नहीं करेगी, फंगस अटैक नहीं करेगी और जो रूटिंग की प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाएगी। इस पे जो रूटिंग रूट्स आनी है यहाँ से वो रूट्स भी जल्दी से आ जाएंगी। तो दोस्तों अगर हम इसको डायरेक्ट मिट्टी में ऐसे ही घुसाते हैं तो इसका जो रूटिंग हार्मोन्स है वो रिमूव हो जाएगा। इसके लिए हम यूज करेंगे दूसरी कटिंग्स, जो हमने जिस पर लगाया नहीं है वो वाली यूज करेंगे। इसमें हम एक होल करेंगे बीच में, तो आप देख सकते हैं ये होल हो गया है। अब हम इस होल में आराम से इस कटिंग को डाल देंगे और यहां से साइड में से इसकी मिट्टी टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। अब आप दूसरी कटिंग लीजिए, उस पर रूटिंग हार्मोन लगाइए अच्छे से, साइडों पे भी लगा दीजिए, जरूरी नहीं है कि कटिंग वाले एरिया पे लगाना है, ये कोई ज्यादा महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता पड़ता है दोस्तों। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग से या जैसे भी हम या शॉप से अगर खरीद के लेके आते हैं रूटिंग हार्मोन, वो केमिकली होता है और उसका जो इफेक्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। इसकी ये मैंने यूज किया हुआ रूटिंग हार्मोन ऑर्गेनिक वाला, ये बहुत ही सस्ता भी पड़ता है और आसानी से बन जाता है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। तो हमारी एक वाली कटिंग भी लग गई, मैं आप सारी कटिंग एक बार लगा लेता हूँ देन आपके साथ शो करता हूँ। तो दोस्तों मैंने सारी कटिंग्स जो है वो लगा दी हैं, सभी कटिंग्स पे मैंने रूटिंग हार्मोन्स का यूज किया है और सभी कटिंग को मैंने इसमें लगा दिया है। आप गमले का भी यूज कर सकते हैं, आप गमले में मिट्टी भरिए। मिट्टी बनाने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है कि 50% मिट्टी, 40% सैंड, जो हार्डवेयर स्टोर से रेत मिलता है हम अपने जब घर बनाते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ग्रे कलर का सैंड होता है जो अभी मैं आपको दिखा देता बट मेरे आसपास है नहीं यहाँ, मैं फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगा, आप लगातार मेरी वीडियो देखते रहना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसकी मैं इसकी अपडेट जो है वो इसके पार्ट टू में डालूंगा कि कितनी मुझे सक्सेस रेट मिली है, या अगर मैं मेरी ये कटिंग्स जो हैं वो सक्सेस भी नहीं होती हैं तब भी मैं इसका रिजल्ट जरूर दूंगा, ये पता लगा कि मुझसे क्या गलती हुई है, क्योंकि इन गलती इंसानों से ही होती है, गलती करके ही हम सीखते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉलिथीन बैग है ये हम इसके ऊपर लगा देंगे, बारिश का अगर सीजन हो, जैसे कि सितंबर अक्टूबर का अगर महीना है तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंडोर रख देना इसको, याद रहे इंडोर रखना है। और हम इसको एक बार पानी देंगे, देन इसके ऊपर ये पॉलिथीन जो बैग है वो पहना देंगे, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो उड़ेगा नहीं, आपको इसको उतार के बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार अच्छे से पानी दे दीजिए। अच्छे से पानी दे देने के बाद आप इस पे ये पॉलिथीन बैग लगा दीजिए, इसका मॉइस्चर ऊपर उड़ेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा, कटिंग्स का भी मॉइस्चर कटिंग्स में रहेगा। और ये कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कीजिए, कटिंग्स ग्रो कीजिए। अगर ये मेरी 100% सक्सेस हो जाती हैं तो मैं ये अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, सबको गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत सारे पेड़ जो हैं वो खुद ही ग्रो करता हूं। अगर मेरे पास कोई एक प्लांट आ जाता है तो मैं उसको उससे मल्टीपल करने की कोशिश करता हूं। आपको ये वीडियो मैंने अभी बनानी स्टार्ट की है, बट मैं गार्डनिंग पहले से ही करता हूं। तो दोस्तों सब्जियां उगाना, बोनसाई, हर तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, चाहे उसमें आपको किचन गार्डनिंग से रिलेटेड हो कि गार्डनिंग कैसे करनी है, हमें कैसे किस तरह से इसको सब्जियों को उगाना है, सीड से जर्मिनेशन कैसे करनी है, वो सब मैं आपके साथ शो करूंगा। तो स्टे विद मी, देखते रहिए मेरी वीडियो को। और दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना अच्छे से ख्याल रखना। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको देता हूँ अच्छी अच्छी नॉलेज गार्डनिंग से रिलेटेड। तो रूटिंग हार्मोन की वीडियो मेरी नेक्स्ट आएगी जो मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।